अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, एक मज़ीद लेसन आप सबकी खिदमत में हाजिर है। आज के लेसन में कुछ बड़ी इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज़, कुछ बड़ी इम्पॉर्टेंट मालूमात मैं आपको देने लगा हूँ। उम्मीद है आपने चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिया होगा और पिछले जो मैंने 6-7 लेसन शेयर किए वो भी देख लिए होंगे। अच्छा, सबसे पहले लोगों का एक सवाल है कि सर, हम मार्केट में अक्सर एक टर्म सुनते आते हैं, अपर लॉक लोअर लॉक, ये क्या है? चलिए इस पर बात करते हैं। देखें, अपर लॉक और लोअर लॉक, लोअर लॉक के लिए एक टर्म यूज़ की जाती है फ्लोर की भी। अपर लॉक लोअर लॉक सर्किट ब्रेकर्स हैं, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का एक लॉ कह लें, कानून कह लें। कोई भी शेयर एक दिन में ना मैक्सिमम अगर बढ़ सकता है तो 7.5% बढ़ सकता है, और अगर कोई भी शेयर एक दिन में गिर सकता है ना तो वो 7.5% से गिर सकता है। पास्ट में जब ये सर्किट ब्रेकर कानून नहीं थे तो अमूमन ऐसा देखते थे कि अभी एक शेयर 50 रुपये का है, ठीक है, अगले दिन वो सुबह ओपन हुआ ना 10 रुपये का था, 5 रुपये का था। तो अब सोचें इन्वेस्टर की क्या हालत होगी कि मेरा एक शेयर 50 रुपये का था, कोई कंट्रोल्स ही नहीं थे, अगले दिन वो 10 रुपये का हो गया, 40 रुपये का स्ट्रेट लॉस, 80% स्ट्रेट लॉस। तो फिर स्टॉक मार्केट्स ने कानून इंट्रोड्यूस किया अपर सर्किट लोअर सर्किट, अपर लॉक लोअर लॉक के, जिसके मुताबिक अगर एक शेयर 100 रुपये का है तो वो एक दिन में सिर्फ 7.5% बढ़ सकता है, 7.5% बढ़ सकता है मीन्स 107.5 तक जा सकता है, इससे ऊपर उस दिन जा ही नहीं सकता। तो जब शेयर 107.5 का हो जाता है ना तो भी कॉल इट उस पर अपर लॉक लग गया, और इस दिन एक शेयर 100 रुपये का है ना तो वो सिर्फ एक दिन में 7.5% गिर सकता है, यानी कि 92.5 पे आ सकता है, इससे नीचे नहीं जा सकता। जब 92.5 पे आ जाता है तो वो हॉल्ट लग जाता है, मार्केट कहती है ये लोअर लॉक है। इससे क्या फ़ायदे क्या नुकसान है वो हम मजीद अगली वीडियोस में आपके साथ जो है वो बात करेंगे, ठीक है। दूसरा फिर एक अमूमन लोग कहते हैं कि सर हमें जो है ना वो और कॉमन टर्म्स मार्केट में नज़र आती रहती हैं, सपोर्ट और रेजिस्टेंस की। अब ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या है, ठीक है, ये जो है ना सपोर्ट और रेजिस्टेंस एक बड़ा इंडिकेटर है जिसके थ्रू बहुत से ब्रोकर्स और बहुत से इन्वेस्टर्स है ना स्टॉक बाय या स्टॉक सेल करने का डिसीजन लेते हैं, ठीक है। अच्छा, एक शेयर की हिस्ट्री ऐसी है कि वो ऊपर पर जाते 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 10 रुपये पे जाता है और फिर नीचे आ जाता है, फिर 10 रुपये पे जाते ऊपर होते होते फिर नीचे आ जाता है, फिर ऊपर जाता है 10 रुपये को टच करता है फिर नीचे आ जाता है। तो हम कहते हैं 10 रुपये इसकी रेजिस्टेंस है कि ये 10 पे जा रहे हैं लेकिन वापस नहीं चाह रहे, फिर 10 पे जा रहे वापस नहीं चाह रहे, 10 पे जा रहे वापस नहीं चाह रहे, 10 रुपये इसकी रेजिस्टेंस है, बढ़ना चाह रहे 10 रुपये से लेकिन रेजिस्ट कर जाता है नीचे आ जाता है। जैसी उसने रेजिस्टेंस तोड़ी ना 10 को ब्रीच कर गया तो कहते हैं यार बाय कर लो शेयर, क्योंकि उसने रेजिस्टेंस तोड़ी है ना 10 को तोड़ गया ना, अब वो तेज़ी से ऊपर निकल जाएगा, जैसे पानी होता है ना यार टकरा रहे एकदम से, जब टूटा तो प्रेशर से बिल्कुल। तो कहते हैं रेजिस्टेंस एक सिग्नल है कि जब एक चीज़ मुसलसल 10 पे आके वापस जा रही है, 10 पे आके वापस जा रही है, 10 पे आके वापस जा रही है, रेजिस्ट कर रही है, जैसी रेजिस्टेंस थोड़े 10.5 हो जाए 11 हो जाए ना बॉय कर लो, वो मजीद ऊपर जाएगी प्रेशर से तेज़ी से। और इसी तरीके से अगर एक शेयर गिरता है 5 रुपये पे आता है फिर ऊपर हो जाता है, फिर गिरता है 5 पे आता है वापस ऊपर चला जाता है, फिर गिरता है 5 पे आता है ऊपर जाता है, तो हम कहते हैं 5 इसकी सपोर्ट है कि बार बार 5 पे आते हैं लेकिन फिर ऊपर निकल जाते हैं, बार बार 5 पे आते हैं फिर ऊपर निकल जाते हैं, 5 रुपये इसकी सपोर्ट है। सपोर्ट अगर तोड़ दी ना 5 के नीचे चला गया फौरन बेच दो, क्योंकि प्रेशर डाल रहे हैं, 5 पे आ रहे फिर ऊपर, 5 पे आ रहे फिर ऊपर, 5 पे आ रहे फिर 5 तोड़ेगा ना तो प्रेशर से नीचे जाएगा, इसलिए ब्रोकर्स और इन्वेस्टर्स कहते हैं भाई सेल कर दो। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस बेसिकली बाइंग सेलिंग इंडिकेटर्स हैं, रेजिस्टेंस तोड़े फौरन बाय करो ऊपर निकल जाएगा, सपोर्ट तोड़े सेल कर दो नीचे चला जाएगा, ठीक है। तीसरा सवाल अमूमन लोग करते हैं कि सर ये बताइए कि हम ट्रेडिंग शॉर्ट टर्म के लिए करें या हम ट्रेडिंग लॉन्ग टर्म के लिए करें। सही है, देखें इसका जो है ना वो कोई फिक्स जवाब नहीं दिया जा सकता कि ट्रेडिंग शॉर्ट टर्म के लिए की जाए लॉन्ग टर्म के लिए की जाए। ऐसी मैं आपको हज़ारों मिसालें उठा के दे दूंगा कि लोगों ने कोई स्टॉक गिरा है लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर लिया है, जितना लॉन्ग टर्म होल्ड किया ना तब भी उनको नफा नहीं हुआ। जैसे आपको पता है स्टॉक मार्केट में 2005 में 2008 में जो है ना वो शदीद किस्म के क्राइसिस आए थे, बेताशा स्टॉक मार्केट्स गिरी थी, तो उस टाइम हमारे एक रिलेटिव ने PTCL का शेयर लिया था 90 रुपीज़ का, PTCL का शेयर लिया था पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन लिमिटेड का 90 रुपीज़ का, सही 2005 या 8 की मैं बात बता रहा हूँ, सही मुझे याद नहीं है। मार्केट्स क्रैश हो गए सब हो गई, वो शेयर 50 रुपये का हो गया, कितने का हो गया 50 रुपये का। तो उनको किसी ने कहा भाई आप होल्ड कर लो ना वापस भी तो बढ़ेगा, वो आज तक शेयर उन्होंने होल्ड किया हुआ और वो शेयर अब है 10 रुपये का या 12 रुपये का। तो सोचिए 15 साल होल्ड कर लिया फिर भी शेयर वापस नहीं है, लेकिन मेजॉरिटी स्क्रिप्ट्स क्या होते हैं कि अगर गिरे हैं आपने होल्ड कर लिया, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्क्रिप्ट्स अगर आपने होल्ड कर लिया तो ज़ाहिर है कभी ना कभी वापस बढ़ेंगे। तो कुछ लोग लॉन्ग टर्म की बड़ी फेवर में, कुछ लोग कहते हैं भाई लॉन्ग टर्म में कुछ पता नहीं है,
अनसर्टेन होता है, फौरन जहाँ मौका मिले ना एग्जिट लो, शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स होते हैं। बहरहाल एडवाइस के तौर पे बेटर स्ट्रेटेजी क्या है कि ट्रेडिंग लॉन्ग टर्म में की जाए शॉर्ट टर्म में की जाए। तो एक इस पर रिसर्च हुई थी, शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स और लॉन्ग टर्म ट्रेडर्स के दरमियान मुकाबला हुआ था कि भाई एक बंदे ने एक बार शेयर लिया और जो है ना मुसलसल लंबे अरसे तक होल्ड रखा, और एक बंदे ने मुसलसल जो है ना बाइंग सेलिंग करती रही, तो प्रूफ ये हुआ था कि लॉन्ग टर्म वाला बेनिफिट में रहा था। लेकिन फिर भी ये कोई वो वाली बात नहीं है जिस पे हम 100% यकीन के साथ कह सकें कि भाई लॉन्ग टर्म में ही फ़ायदेमंद होगा, शॉर्ट टर्म में ही फ़ायदेमंद होगा। इट कैन मूव बोथ वेज। और आज के लेक्चर की एक आखिरी बात, देखिए मार्केट्स में ना कभी कभार प्राइसेस में चेंजेस बहुत रैपिडली आते हैं, इतनी तेज़ी से आते हैं कि आपको कभी कभार मौका ही नहीं मिलता। जैसे एक शेयर आपने लिया 50 रुपये का, सही है, आपने लेट सपोज PIA का शेयर लिया और अचानक से खबर आ गई भाई US ने उसको बैन कर दिया, यूरोप ने उसको बैन कर दिया, तो भाई शेयर गिरना शुरू होगा। अब आप चाहोगे मैं उसको बेचूं तो आप अपने ब्रोकर को कॉल करोगे, 2-3 घंटियां बजने के बाद वो कॉल उठाएगा, सही है। जैसे लेट सपोज आपने PIA का शेयर लिया 7 रुपये का, सही है, अब वो गिरना शुरू होगा, ये खबर आ गई अचानक से कि भाई यूरोप ने बैन कर दिया है और USA ने बैन कर दिया, शेयर गिरना शुरू हुआ, 7 से 6 रुपये 90 पैसे हुआ, 6 रुपये 80 पैसे, आपने कहा तो बहुत बुरी खबर है, भागो इससे। आपने ब्रोकर को कॉल मिलाई, 1-2 बेल बजी, उसने उठाई, सर बेच दें आप, उसने कहा हाँ सर मैं बेचता हूँ, इतनी देर में ही जो है ना कहानी बर्बाद हो जाती है कभी कभार, सही। या मिसाल के तौर पे आपने कहा मैं ब्रोकर से नहीं, मैं खुद अपने सॉफ्टवेयर अपने टर्मिनल पे ट्रेड करता हूँ, आपने शेयर 7 रुपये का खरीदा था, गिरना शुरू हुआ, आपने कहा मैं फ़ौरन बेचता हूँ, आपने अपना ID डाला, पासवर्ड डाला, ऑर्डर लगाया, इतनी देर में भी कहानी ख़राब हो जाती है। इसलिए एक मशवरा दिया जाता है लोगों को, हमेशा आप ट्रेडिंग करें स्टॉप लॉस SL के साथ। सर ये स्टॉप लॉस क्या है, इसका भी ज़रा कॉन्सेप्ट सुन लें। स्टॉप लॉस क्या है, स्टॉप लॉस ये होता है कि आपने लेट सपोज एक शेयर बाय किया 10 रुपये का और स्टॉप लॉस उसी वक्त लग दिया 9 रुपये का। स्टॉप लॉस 9 रुपये का मतलब ये है कि जैसे ही ये शेयर गिरना शुरू करेगा ना और 9 रुपये पे आएगा, आपको ऑर्डर लगाने की जरूरत नहीं है, स्टॉप लॉस है कि यहाँ मेरा लॉस स्टॉप हो जाए, वो खुद ही बिक जाएगा। अब सोचें एक चीज़ 10 रुपये से 9 रुपये पे आ रही है, आप बेचने के लिए ऑर्डर लगाने की कोशिश करोगे, ID पासवर्ड डाला, ऑर्डर प्लेस किया, इतनी देर में कहानी हाथ से निकल सकती है ना। अगर स्टॉप लॉस लगा होगा ना 9 रुपये का, तो दैट मीन्स वो 9 पे आएगा ना, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, वो खुद ही खुद बिक जाएगा। तो देखें ये एक बहुत बड़ा रिस्क मैनेजमेंट टूल है स्टॉप लॉस, कि कोई भी शेयर अगर आप लें और आपको वहाँ थोड़ी अनसर्टेनिटी नज़र आती है, कुछ भी हो सकता है, तो ऑलवेज ट्रेड विद स्टॉप लॉस, इसको प्रोटेक्टिव स्टॉप लॉस भी कहते हैं। स्टॉप लॉस का मैंने आपको क्या सिलसिला बताया कि यार जैसे ही वो शेयर उस रेट पर पहुँचे, आपको ऑर्डर लगाने की जरूरत ना, वो खुद ही बिक जाए। तो हमने आपको 4 टर्म्स आज बताई हैं, एक अपर लॉक लोअर लॉक की, सपोर्ट रेजिस्टेंस की, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग की और स्टॉप लॉस की। होपफुली आप इन वीडियोस को एंजॉय भी कर रहे होंगे, काफ़ी सीख भी रहे होंगे। डू सब्सक्राइब द चैनल, शेयर अमंग योर फ्रेंड्स। हम जाहिर है जब आपकी बेसिक्स हो जाएंगी तो आपको कुछ ना कुछ ट्रेडिंग टिप्स भी जो है वो देना शुरू करेंगे, ठीक है। स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।